अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज सैटरडे है, सैटरडे है ना? yeah. हाँ सैटरडे है। मैं अभी निकला था बाहर, ज़रा मेरे बाथरूम की मिरर चेंज करने वाला है और वो लेने जा रहे हैं। इधर एक स्टोर है होम डिपो, यहाँ पे ज़्यादातर काम आप घरों के जो है ना छोटे मोटे खुद ही करते हैं। तो काफ़ी दिनों से चेंज करने की कोशिश कर रहा था मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं काम से आया हूँ तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये काम करते हैं, वहाँ से ले के आते हैं और थोड़ी सी वीडियो भी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं स्टोर की अंदर की सैर कराते हैं कि ये स्टोर जो है आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा हुआ है। वैसे चलो चलते हैं। अच्छा पहले वाली मेरी गाड़ी थी ना वो पुश स्टार्ट था उसका ना, तो इधर यहाँ पुश करने के लिए लगा हुआ था बटन स्टार्ट करने के लिए। अभी तक मुझे 2 माह से 3 माह से ज़्यादा हो गए ये मैंने दूसरी गाड़ी चेंज की हुई है और मैं आता हूँ जब भी तो मैं ऐसे ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा होता हूँ मगर इसमें ये जो है वो की वाली है, की से स्टार्ट करनी पड़ती है, बस ये डिफरेंस है। ओके जी, होम डिपो आ गया हूँ मैं, अंदर जा रहा हूँ तो देखते हैं क्या मिलता है, फिर अंदर चल के बनाता हूँ। बड़ी सख्त गर्मी आज। काफ़ी बड़ा नहीं, बहुत बड़ा स्टोर है। सारे आप इधर से इतना सामान लेके जा सकते हो कि पूरा घर नया बना लो, हर चीज़ मिलती है यहाँ से। ओके गाइस, ये लगी हुई है मेरे रैन के पीछे, छोटी सी अलमारी होती है और ये सारे डिफरेंट साइजेस हैं मगर मुझे इतना बड़ा वाला भी नहीं चाहिए और इतना महंगा वाला भी नहीं चाहिए। देखते हैं कोई रीज़नेबल सा मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये डबल कैबिनेट वाली भी है, इसके आगे मिरर नहीं लगा हुआ और ये भी है, ये सारे बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं। ये इनकी प्राइजेस हैं। Which one? The best? The one? Yeah. The white one? Yeah. Yeah. Like we have in the other bag. I think this is good. This is what I like. The one right here, only mirror. ये मुझे सही लग रहा है जिसके आगे सिर्फ मिरर लगा हुआ है ना, और इसको खोलेंगे तो उसके पीछे वो छोटी सी कैबिनेट सी होगी जिसमें आप टीथ ब्रश वगैरह रख लेते हैं। ये देखो ना, ये बना हुआ पीछे पूरा, आगे सिर्फ मिरर है। दूसरी वाइट मेरे ख्याल से ये प्लास्टिक की है इसके पीछे, तो ये ख़राब भी नहीं होगी ज़्यादा जल्दी। जो पहले वाली थी ना हमारी, वो सी वुड की बनी हुई कार्डबोर्ड जो होता है, पता नहीं क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा पानी लग लग के ना मजू करने से बच्चे ऐसे पानी मारते हैं तो वो उसके ऊपर भी गिरता है, तो उसके अंदर पानी लग लग के वो ना ख़राब हो गई है। तो ये मेरे ख्याल से ये लाइट वेट भी है, ये प्लास्टिक की है पीछे से, यही मेरे ख्याल से अच्छी रहेगी। चलो ये रखते हैं। अभी हमने फ्लोर के लिए भी बाथरूम का फ्लोर भी चेंज कर, तो उसका पहले हमने कारपेट डाला हुआ था वो निकाल दिया। कारपेट निकालने के बाद कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो सोच रहे हैं हम वो डिफरेंट कलर का नीचे उसके शीट्स वगैरह कोई लगाएं, बना लेते हैं। कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं ना ये। लोग यहाँ पे स्प्रे वाला पेंट है ना वो तो लेते हैं ना, तो फिर ट्राई करके देखते हैं। ये सारा फ्लोर पे उन्होंने पेपर लगाया हुआ है यहाँ पे ट्राई करने के लिए, देख सकते हैं कलर सही है कि नहीं। ये दोनों कह रही हैं हम ट्राई करें, हमने लेना है नहीं, ट्राई क्यों करें। चलो चलो लेट्स गो उसको देख एक दफा ट्राई करके देखे, मेरे शूज पे ना मार दें। ओके लेट्स गो। अच्छा ये फ्लोर के लिए शीट्स हैं, तो ये ऐसी है कि इसके पीछे ना वो पेपर लगा हुआ है, इसको उतारेंगे तो ग्लू लगी हुई है, ग्लू से ऐसे
आप इसको फ्लोर के ऊपर चिपका सकते हैं। मैंने अपने दूसरे बाथरूम में भी यही लगाई हुई है। और ये सारे कलर्स हैं इनके डिफरेंट, $1.39 का एक एक पीस है, $1.39 का। तो ये बॉक्स है, इसमें है 30 टाइलें, तो ये होंगी कोई $40 की प्लस टैक्स। ये कलर है सारे, आई थिंक आई लाइक दिस कलर ऑलवेज, बट लेट्स सी कोई और शायद। ये भी ऊपर भी हैं सारे कलर, और ये भी हैं सारी, ये डिफरेंट किस्म की, थोड़ी लंबी वाली है, इतनी लंबी है ये है, वो भी चीज़ है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी ज़्यादा बड़े बाथरूम के लिए यूज़ करने के लिए। सारे ये फ्लोर ही पड़े हुए हैं, उस तरफ दूसरी साइड पे भी हैं वुड फ्लोर वगैरह, तो ये थोड़े डिफरेंट है, जो नीचे ग्लू से चिपक जाते हैं हुडी देखो। और ये दिस इज, ये बड़ा लाइट कलर है, काट सकते हैं ना, इसके लिए कटर चाहिए होता है, कटर से काटेंगे। यही कलर एक अच्छा लगा है मुझे, ग्रे सा कलर है, थोड़ी ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। हमारे तो मेरे ख्याल से एक बॉक्स ना होगा, इसमें 30 टाइल्स है, हमारा इतना बड़ा तो नहीं बात, हम एक टाइल इतना हैवी है, पेंट से रिलेटेड यानी कि रोलर्स ब्रश वगैरह लगे हुए हैं, एक छोटा सा चाहिए बस, ये हमने लिया सिंगल, छोटा है, बाथरूम भी तो छोटा सा होता है ना। यहाँ पे सारे स्टोव्स, माइक्रोवेव्स और ये फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, असी तो फ्रिज ही कहने हैं, रेफ्रिजरेटर्स पड़े हुए हैं सारे, इतने बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के। नाइस, हमें फॉसेट चाहिए बाथरूम के लिए, क्योंकि वो ख़राब हो गया, वो बच्चों ने उसके अंदर से ना वो एक कोई चीज़ होती है वो निकाल दी, तो पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है, सारा बाहर गिरता है। ये तो मेरे ख्याल से ये किचन के हैं, किचन के नहीं है, बाथरूम के ही हैं, मगर एक मिनट में ढूंढता हूँ ना। हमें तो ये वाला चाहिए, बेसिक वाला, जो ये नीचे पड़े हुए हैं ना, ऊपर भी लगे होंगे वैसे, एक मिनट में देख लूंगा। शावर चेक करो कितना प्यारा गोल्डन कलर का है, और ये जब लगता है ना, ऐसे लगता होगा ऊपर से बारिश हो रही है, इतने बड़े बड़े हैं ना, बड़े घरों के लिए हैं, तो बड़े बाथरूम्स वगैरह होना, देख यार मैन इज टू बिग, ये किचन कहना इसीलिए इतना बड़ा है। चलिए हमने ले लिया सारा कुछ, तो अब हम पे करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ये सारे बल्ब्स, लाइट्स हैं जो घरों में यूज़ करते हैं, बेसिक ट्यूब्स लाइट्स, एलईडी लाइट्स भी हैं, मैंने भी लगाई हुई हैं, मगर यहाँ से भी अब मिल जाती, पहले ऑनलाइन थी, अब इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की हैं। ये क्या है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ स्पीकर है, बूम बॉक्स $29 का ये। अच्छा ही है, ये सारी एलईडी पड़ी हुई है, $50 off the total, so I point for the Home Depot part. No, thank you.
वो है पिंक। ग्रिल नहीं है, ये स्मोकर है। स्मोक करने के लिए ना, तो स्मोक से कुक करते हैं ना चिकन बीफ वगैरह, और बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर बनाने के लिए ज़्यादातर गोरे स्मोक करके खाते हैं। इसमें रख देते हैं मीट को और आग जला देते हैं, और स्मोक यानी कि उसके धुएं से इतना ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर होता है, तो बड़ा मज़े का है। मगर हम मैंने एक दो दफ़ा ट्राई किया, बहुत ओवर स्मोक ही होता है, मुझे तो अच्छा ही लगा था। समर है ना, समर में बहुत ज़्यादा बिकती हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा इन्होंने बाहर ही रख दी हुई हैं ग्रिल्स। हमारी गाड़ी किधर है? वो है अभी थोड़ी हवा चल रही है, थोड़ा अच्छा मौसम हो गया। आज बहुत गर्मी थी वैसे, मैं सामान रखता हूँ गाड़ी में। आ गया हूँ घर, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग कोई मशवरा देना चाहते हैं कि मैं किस किस्म की वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।